अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नगर परिषद अध्यक्ष पर भाजपा पार्षदों ने लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने का मामला चाहे तो अपन मेहरबान अध्यक्ष भाजपा पार्षदों के वार्डों के विकास कार्यों को रोका। भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद में मोर्चा खोला, विरोध प्रदर्शन कर नगर परिषद CMO को ज्ञापन सौंपा। इस समय पूरी अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं, बिल्कुल सभी विकास के कार्य रुक गए हैं। और जो जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया है कि जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना में कोई पारदर्शिता नहीं है। उस योजना में यहां पर भ्रष्टाचार मचा दिया गया है नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा, तो उसकी जाँच की जाए और सही लोग जो गलत लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या कोई कर्मचारी हैं जो इसमें भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। यही हम सब लोगों की मांग है। और हम भाजपा शासित जो पार्षद हैं उनके वार्डों में जो काम पड़े हुए हैं, जैसे वार्ड नंबर 9 में यह नाली खोद दी गई है, 2 महीना हो चुका है ठेकेदार काम नहीं लगा रहा है। वार्ड नंबर 13 में एक छोटा सा CC रोड है, वहाँ पर 2 महीने पहले उसकी खुदाई कर दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक CC रोड का निर्माण नहीं हुआ है। और पूछने पर ठेकेदार से कि क्यों नहीं हुआ है, तो सीधा एक ही जवाब होता है कि सम्माननीय अध्यक्ष जी ने मना किया है। अब अध्यक्ष जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि आपका भी नगर पलेरा है, आप विकास की बातें करते हैं, तो क्या केवल आपके लिए कांग्रेस शासित पार्षद ही आपके पार्षद हैं? हम लोग क्या पार्षद नहीं है? यदि उस ठेकेदार ने वहाँ पर रोड खोद दी है तो उसका दायित्व आपका बनता है कि उस रोड को पूरा कराया जाए, लेकिन आप उल्टा उसको रोक रहे हैं, यह कुछ साबित करती है। इसी के संबंध में हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। साहब से बात हुई है, CMO साहब ने कहा है कि आप हमें मांग पत्र दे दीजिए, तो हम CMO साहब को मांग पत्र दे रहे हैं, और यदि उस पर 3 दिवस में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसी को व्यापक रूप में भूख हड़ताल पर बैठे। क्या त्रुटियाँ हैं अगर उनमें राशि डाली जाए? यहाँ पर मांग पत्र के रूप में दे रहे हैं, 3 दिवस के बाद हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।